2021 में कार्तिक आर्यन की एक फिल्म अनाउंसमेंट हुई थी जिसका नाम रखा गया था सत्यनारायण की कथा। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर हमारे पास बहुत सारी अपडेट आ चुकी हैं, सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर आप लोग कार्तिक आर्यन के डाई हार्ड फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सत्यनारायण की कथा जिस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं समीर विद्वांस और इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साजिद नाडियाडवाला। जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो इस फिल्म में सिर्फ कार्तिक आर्यन का नाम था, लेकिन फिर बीच में खबरें ऐसी आने लगी कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर नहीं बल्कि कियारा आडवाणी रहेंगी। साथ ही साथ बात करें इस फिल्म के टाइटल के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म की जब अनाउंसमेंट हुई थी तब तो इस फिल्म का टाइटल सत्यनारायण की कथा रखा गया था, लेकिन दोस्तों अब इस फिल्म का टाइटल चेंज हो चुका और न्यू टाइटल रख दिया है सत्य प्रेम की कथा, जो कि बहुत ही शानदार टाइटल है। बताना चाहूँगा दोस्तों कार्तिक आर्यन ने खुद रिवील किया है कि इस फिल्म का टाइटल सत्य प्रेम की कथा है और कार्तिक आर्यन इस फिल्म पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कार्तिक आर्यन इस फिल्म के मेकर से मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें दोस्तों इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा लास्ट 2023 में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कार्तिक आर्यन की 3 फिल्में और रिलीज की जाएंगी, शहजादा, कैप्टन इंडियन और फ्रीडी। फ्रीडी फिल्म के बाद सत्य प्रेम की कथा फिल्म को रिलीज किया जाएगा और सत्य प्रेम की कथा फिल्म का लोगों के बीच में काफी ज्यादा क्रेज है, क्योंकि इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस है कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी को भूल भुलैया 2 फिल्म में देखने के बाद लोग इन दोनों को फिर से देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। यही वजह है कि इस फिल्म का काफी ज्यादा क्रेज है। बता दें दोस्तों फिल्म प्री प्रोडक्शन में चल रही है, इस फिल्म की शूटिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट की जाएगी। अब आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं।